हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ हूँ। आज मैं आपको आलू की सीख कबाब दिखाऊंगी। वेज के लिए अच्छा ऑप्शन है, विदाउट ओवन एंड विदाउट सीख के दिखाऊंगी, जो इजीली आप नॉन स्टिक के तवे में कर सको, बट बहुत टेस्टी है एंड हेल्दी भी है। सो ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू उबाल लिए थे, उसको अच्छे से क्रश किया है। ये पत्ता गोभी है, ये कोथमीर है और एक कैप्सिकम है, ये सब डालती हूँ। वेजिटेबल्स वाली बहुत अच्छी लगेगी, आज जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना। ये कटी हुई 2 प्याज है, ये एक बड़ा नंग गाजर है जिसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये सब इसके मसाले है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये सब एक एक चम्मच है, एक चम्मच ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्ची पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चम्मच धाना पाउडर धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और ये 2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालना, चाट मसाला नहीं हो तो नींबू का रस डालना, बट हो सके तो चाट मसाला डालना, बिकॉज टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये 6 कड़ी लहसुन है और एक हरी मिर्ची है, नमक की पेस्ट है। तो मुझे याद से कमेंट में बताना, अगर अब ऑप्शन आपको दिखा दूं, सब बोलते हैं तो ऑप्शन अच्छे दिखाते हैं, तो ये 4 चम्मच गेहूं का आटा है और ये 2 चम्मच बेसन मीन्स चने का आटा है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हो, टोस्ट का पाउडर है तो वो डाल देना, मैदा हो तो मैदा डाल देना, कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर डाल देना, बट ये सब सबके घर में इजीली अवेलेबल नहीं रहते। गेहूं का आटा और चने का आटा तो सबके घर में रहता है, बिकॉज हम चपाती भी बनाते हैं, भजिया के लिए कड़ी बड़ी बनाते हैं, सो इसके लिए। तो ये सबको पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स हो गया है, अभी हमारे पास सीख कबाब का नहीं है तो क्या करने का, बिकॉज पेंसिल सबके पास घर में होती है, छोटे बच्चे रहे, भाई बहन रहे, मेरे पास भी पेंसिल है। ये मैंने एक बना ली है, जस्ट आपको दिखा दो, जरा ऑयल वाला हाथ करना, हाथ में ऑयल लगा लेना एंड लेना, एक दिखा देती हूँ। एंड फ्रोजन इसको कैसे करने का, 15 दिन के लिए आप फ्रोजन भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देती हूँ। पहले सब बना लूंगी, बट अभी आपको एक जरा दिखा देती हूँ कि कैसे बनाने का। ये देखो, एक ऐसे पेंसिल लेना, बिकॉज हमारे पास नहीं है ये जो सीख कबाब की, टूथपिक है मेरे पास, बट टूथपिक सबके पास नहीं रही, तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि हर घर में हर चीज अवेलेबल हो एंड इजिली आप चीज बना सको। और बेचारी पेंसिल भी बहुत अच्छी लंबी है, सो देख सकते हो, वेरी इजी सिंपल है। सच्ची बोलती हूँ, आलू को भी बुरा नहीं लगेगा, जो वेज वाले हैं उसको भी बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत टेस्टी है सीख कबाब बनती है, एंड विदाउट सीख के एंड विदाउट ओवन के भी बहुत टेस्टी एंड हेल्दी है सीख कबाब। इसको हमको सेलो फ्राई करने का रहता है, सो मैं पहले दिखा दूँ आपको, देख सकते हो वेरी इजी सिंपल है, और इसको प्यार से निकालना, देख सकते इजीली बेचारी निकल जाएगी, किसी को कुछ बोलती नहीं, देख सकते हो। सब बना लेते हो और फिर इसको फ्रोजन कैसे करने के वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने आलू की सीख कबाब बना लिए, अगर आपको फ्रोजन करना है तो कैसे करने का वो भी दिखा देती हूँ। ऐसा डब्बा लेने का कोई सा भी, या फिर ऐसे जिपलॉक बैग इजिली सबके पास रहती है, मोटी वाली जो आती है वो, तो इसमें भर लेना एंड फिर ऐसे डब्बे में डाल देना। जस्ट अभी आपको डब्बे में डाल के दिखाती हूँ, मुझे फ्रोजन नहीं करने का, बट आपको समझा देखो देती हूँ। इधर बटर पेपर डालना एंड फिर ऐसे हमारी ऐसे सीख कबाब रखना, इसको 2 हफ्ते के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए, मतलब 15 दिन के लिए डीप फ्रीजर में रख सकते हो, और फिर इसके ऊपर बटर पेपर डालना एंड फिर लेयर ऐसे 3 फिर और डालना, और फिर इसको ऐसा बंद करके, मेरे पास खजूर का डब्बा हुआ था खत्म, तो इसको डीप फ्रीजर में 15 दिन के लिए रख देना एंड फिर इसको सेलो फ्राई कर सकते हो। ऐसा मैंने आपको समझा दिया है कि अगर सीख कबाब को आपको फ्रोजन करना हो तो कैसे कर सकते हो, बट अभी तो मैं मेरा सेलो फ्राई करती हूँ। तो इधर पैन में ऑयल डाला है और हमारी ये इसको थोड़ा फ्राई करती हूँ। देख सकते हैं कलर इसका, इसको पकने देने का है और अच्छा कलर आने देने का है। अब देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है, एकदम गोल्डन
और मस्त इजी सीख कबाब है। ज्यादा वेजिटेबल का मैंने इसमें यूज किया है तो थोड़ा हेल्दी है। एंड फ्रोजन आपको कैसे करने का है वो भी मैंने आपको समझाया। चने का आटा और गेहूं का आटा सबके घर में इजीली अवेलेबल रहता है तो आप इजीली बना सको। अगर आप सेलो फ्राई करते वक्त आपकी जो सीख कबाब है इजीली मतलब छूटने लगे तो 1 चम्मच गेहूं का आटा या बेसन का आटा ऐड कर देना, तो आपको कुछ टेंशन नहीं होगा। बस आप देख सकते हो इसका कलर। सब फ्राई कर लेती हूँ, मुझे तो फ्रोजन नहीं करने का, तो सब फ्राई करके ये देख सकते हो इधर भी है और इधर भी है। ये सब फ्राई करके डायरेक्ट मैं आपको सर्व करके पुदीने की चटनी के साथ दिखाती हूँ। तो सब फ्राई करके आपको डायरेक्ट मिलती हूँ। अब देख सकते हो सीख कबाब सब मैंने निकाल लिए और मम्मी ने थोड़ा सलाद काटा था तो और डेकोरेशन किया है। सीख कबाब ज्यादातर तो फुदीने और कोथमीर की चटनी के साथ अच्छी लगती है तो मैंने फुदीने की चटनी रखी है। अगर नहीं है तो फिर टोमेटो केचप भी चल सकता है। चिकन की, मटन की, बीफ की आपने सीख कबाब तो खाए होंगे, पर अगर आप वेजिटेरियन हो मेरे जैसे तो जरूर ये ट्राई करना। आलू की सीख कबाब फ्रोजन, इसको डब्बे में कैसे करने का है वो भी मैंने आपको दिखाया। 15 दिन के लिए फ्रोजन करना, ज्यादा मत करना। मैं तो ऐसा कुछ फ्रोजन नहीं करती, पर इंशाल्लाह जल्दी रमजान आने वाली है तो बहुत लोगों की आदत है फ्रोजन चीजें करने की, तो आप कर सकते हो। तो जरूर बनाना, आलू को भी बुरा नहीं लगे एंड वेजिटेरियन वालों को भी बुरा नहीं लगे। एंड सच्ची बोलती हूँ, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। जिसके पास सीख कबाब की स्टिक नहीं रहती तो विदाउट, आप देख सकते हो मैंने पेंसिल की मदद से मतलब पेंसिल की हेल्प से मैंने कैसे सीख कबाब बनाए आपको दिखाया। आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ फुंडेडा। एंड जरा तो मम्मी को खिलाऊंगी, आपको तो पता है मैं खिलाती हूँ, तो फुदीने की चटनी के साथ मम्मी को खिलाती हूँ। आप खाओ मम्मी, तो कमेंट जरूर करना। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।